दोनों सैल्यूट करके हुए श्रीमान मुख्य अतिथि महोदय को। जगह पर मौजूद है तथा मुख्य अतिथि महोदय को सैल्यूट किया। अब हमारा श्वान मैक्स जो लैब्राडोर प्रजाति का स्निफर डॉग है, जिसके हैंडलर है आरक्षक नामदेव जाधव, मुख्य अतिथि महोदय को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करेंगे। आरक्षक नामदेव जाधव दोनों सैल्यूट करते हुए श्रीमान मुख्य अतिथि महोदय को। इसके बाद हमारा श्वान मैक्स जो लैब्राडोर प्रजाति का स्निफर डॉग है, जिसके हैंडलर है आरक्षक बजरंग नागर भोजे, महानिदेशक महोदय को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करेंगे। दोनों के द्वारा सैल्यूट। अब आपके सामने प्रस्तुत है हमारा डोबरमन प्रजाति का डॉग जीवा, जिसके हैंडलर है प्रधान आरक्षक एसआर गायकवाड़। ट्रैकर डॉग जीवा गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी के स्वागत हेतु वेलकम रिंग में से जंप करेगा। मतलब जीवा वेरी नाइस, दोनों तालियों के लिए इसके लिए। और अब आपके समक्ष प्रस्तुत है डॉग जिनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को एक सादरीकरण है। रेल परिसर में किसी भी तरह की अनुचित घटना को रोकने हेतु स्निफर डॉग को लगाया जाता है। प्रस्तुत है डॉग डैनी के द्वारा एक्सप्लोजिव पंच। आप देख सकते हैं हैंडलर तथा श्वान को दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया गया है ताकि वो कौन से डिब्बे में एक्सप्लोजिव रखा है ये नहीं देख पाए। सभी डिब्बों में एक ही तरह की पैकिंग है। आप देख सकते हैं डॉग डैनी सभी लगेज को चेक कर रहा है। ये इनका रूटीन वर्क है, ये हमेशा अपने काम में बहुत माहिर रहा है। आज देखते हैं वो ढूंढ पाता है या नहीं। सामने रखे हुए सारे लगेज को चेक करते हुए डैनी के द्वारा सभी सामान को अच्छी तरह से चेक किया गया। उसे एक्सप्लोजिव मौजूद होने का शक है। और भी सामान में एक्सप्लोजिव हो सकते हैं ये सोचकर पूरा सामान को सर्वप्रथम चेक कर रहा है। उसके बाद जिस बक्से में एक्सप्लोजिव है उसके पास रुककर अपने हैंडलर की ओर इशारा किया। अब आप देख सकते हैं इसमें से एक्सप्लोजिव निकलता है कि हम देखेंगे। दोनों तालियां बजने लगी। आप देख सकते हैं हमारे श्वान अपने काम में कितने माहिर हैं। ये था श्वान डैनी और उसके अंदर बजे नागर मुझे। इसके बाद रेल सुरक्षा बल परिवार में श्वानों को किस तरह फिट रखा जाता है उसका उदाहरण प्रस्तुत है, जिसमें डॉग एक छोटी सी रिंग से सही सलामत गुजर जाते हैं। ऐसी बहुत सारी कठिनाइयों से उनको गुजरना पड़ता है, इसके लिए उनको पहले से ट्रेन करते हैं।
आपने हमेशा देखा होगा ज्यादातर सभी जानवर आग से बहुत डरते हैं, परंतु हमारे डॉग्स को इतना ज्यादा निडर बनाया जाता है कि वह आग जली जैसी सिचुएशन में भी अपना कार्य सही ढंग से कर सके। इसी का उदाहरण प्रस्तुत है, हमारा डॉग जीवा फायर इंजन से जंप कर रहा है। इस तरह जानवर खेल कर यह डॉग हमारी रक्षा करता है, ये इसका उत्तम उदाहरण है। डॉग जीवा बहुत अच्छा जीवा। रेलवे में होने वाली पैसेंजर लगेज की चोरियों को रोकने हेतु हमारे ट्रैकर डॉग कार्य करते हैं, जिसमें कई ऐसे कई मामले ऑन द स्पॉट यात्रियों की सहायता की जाती है। इसी तरह का एक सादरीकरण आपके समक्ष प्रस्तुत है। घटनास्थल है कोई भी रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं दो यात्री साथ में बातचीत करते हुए चले आ रहे हैं। बाद में वो दोनों यात्री अपने मोबाइल पर व्यस्त दिखाई दे रहे हैं, उनका अपने सामान की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इसी का फायदा उठाकर एक असामाजिक तत्व उनका बैग उठाकर चल देता है। यात्रियों को अभी भी पता नहीं चला है कि उनका कोई सामान चोरी हुआ है। अभी यात्री ने नोटिस किया कि उनका एक बैग गायब है। अब वो हड़बड़ाहट में सभी जगह अपने बैग को ढूंढ रहा है। बाद उनको याद आता है कि वो नहीं तो हेल्पलाइन, तो या कॉल करके उस चीज की वो कंप्लेन करते हैं। इसी तरह तत्परता से मौके पर सहायक उपनिरीक्षक किशोर ठाकुर भी उपस्थित होते हैं तथा उनका आनंदी डॉग जीवा। सहायक उपनिरीक्षक किशोर पाटिल देखते हैं कि वहाँ किसी अज्ञात व्यक्ति का रुमाल पड़ा हुआ है। वो पूछते हैं कि वो रुमाल यात्रियों का तो नहीं, उनके द्वारा मना करने पर उस रुमाल को शायद वो अपराधी का हो ऐसा सोचकर उसे सुनाते हैं जीवा को। जीवा अब वो गंध लेकर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा आगे जाने पर उसे उसी तरह की गंध मिलती है जिसमें शायद वो आरोपी की चप्पल वहां छूट गई है। उसके बाद देखिए वो आरोपी एक जगह बैठा हुआ था, जीवा ने जाके उसको पकड़ा, बिल्कुल नहीं छोड़ रहा, उसको अरेस्ट कर लिया है जीवा ने। वो बचाओ जीवा है, फिर भी जीवा नहीं छोड़ रहा है उसको। आखिर में जब उसको पता चल जाता है कि अभी वो बिल्कुल हिलेगा नहीं, तभी उसके हैंडलर के कहने पर उसको छोड़ देता है। ये हमारे ट्रैकर डॉग पैसेंजर का सामान उसी समय उसी जगह पर तुरंत वापस मिल जाता है। ऐसे कई मामले हमेशा होते हैं। ये दिखने में जितने चुलबुले और अच्छे लगते हैं उतना ही अपना काम बहुत ही ज्यादा संजीदगी और ईमानदारी से करते हैं। अब ये सब पुनः श्रीमान मुख्य अतिथि महोदय के सामने उपस्थित हो रहे हैं।
सभी ब्लॉग के द्वारा कोई तो विजय लेकर अब मुख्य अतिथि महोदय द्वारा डॉग शो की विसर्जन की अनुमति प्रदान की गई है। मैं आशा करती हूँ ये हमारा छोटा सा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत फ्रेंडली है सर। सैल्यूट यानी सैल्यूट गेट बैक विचारू कलम्बोली में कंपेयरिंग।